आई डोंट नो व्हाई बट ऐसे बहुत सारे मेरे पेज पे सजेस्ट हुए वीडियो जहां पे दाऊद इब्राहिम के साथ लॉरेंस को कंपेयर किया जा रहा है. मतलब आई डोंट नो देयर मस्ट बी सम रीजंस, माइट बी इस वीडियो में उसका आंसर मिल जाएगा मुझे. कौन है ताकतवर, दाऊद इब्राहिम वर्सेस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, डॉन डॉन वर्सेस गैंगस्टर. ओके, बाय क्राइम कनेक्ट. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो, मैं हूं मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. दाऊद इब्राहिम वो नाम है जो पिछले 6 दशक से मुंबई के माफिया को चला रहा है। दुनिया भर में उसके गैर कानूनी धंधे फैले हुए क्लिप है। दाऊद वही जिसे इंटरनेशनल टेररिस्ट भी घोषित किया जा चुका है। हर कोई बात करता है कि वो पाकिस्तान के कराची में बैठा है, लेकिन आज तक ना तो उसका कोई दुश्मन और ना ही कोई एजेंसी उस पर हाथ डाल पाई है। वो कहीं भी कुछ भी करवा देता है और खुद कभी सामने नहीं आता है, लेकिन उसके गैंग के गुर्गे हर बात का जवाब देने आ जाते हैं। अभी पिछले कुछ सालों में एक नाम और उभर रहा है, हीरो जैसा दिखने में वो लगता है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो जेल के अंदर बैठे बैठे ही भारत से लेकर कनाडा तक कांड पर कांड करवा रहा है। मतलब दुनिया के हर कोने में काम करवाने की उसकी ताकत को भी लेकर वही दावे किए जा रहे हैं जैसे कभी दाऊद इब्राहिम को लेकर होता था। दाऊद इब्राहिम के तो आतंकवादियों से लेकर तमाम बड़े बड़े अपराधी से भी कॉन्टैक्ट है, इंटरनेशनल गैंगस्टर्स और डॉन से भी, और वो भी यानी कि लॉरेंस बिश्नोई भी उसी के तरह धमकियां दे रहा है अब जैसे किसी जमाने में दाऊद दिया करता था। लॉरेंस की तरफ से भी उसके गुर्गे हर कांड की जिम्मेदारी लेने आ जाते हैं, लेकिन लॉरेंस और दाऊद कौन है, क्यों इसके बारे में कंचे खेलने वाले बच्चों को भी पता होता है, क्यों लड़कियां दीवानी होती है, लोग इन क्रिमिनल के सपोर्ट में कमेंट क्यों करते हैं जैसे कि मेरे चैनल पर कि दाऊद नहीं दाऊद भाई बोल, ठीक लॉरेंस के लिए भी कुछ ऐसा ही दिखने को मिलता है। तो सवाल यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई इन 6 सालों में जब से उसने 2018 को सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है, तब से क्या वो दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा हो गया है जितना बड़ा बनने में दाऊद इब्राहिम को 60 साल लग गए। आज के सफर में आपको मैं इनके किसी कांड की कहानी नहीं सुनाने वाला हूं, बल्कि आज दाऊद इब्राहिम वर्सेज लॉरेंस बिश्नोई की कहानी बताऊंगा। क्राइम की दुनिया में कौन बड़ा है, कौन किससे कितना आगे है, किस एरिया में क्या है इनका, इनके पीछे असल में कौन है, पर्दे के पीछे इनके क्या क्या धंधे हैं, कौन है इनके पीछे जो इन्हें सपोर्ट करते हैं, और किसमें कितना ताकत है वो अंत में पता चल ही जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं डॉन वर्सेज डॉन सीरीज का पहला एपिसोड जो है दाऊद वर्सेज लॉरेंस बिश्नोई। ओके, डॉन्स आए और गए लेकिन दो नाम आज भी आबाद हैं। इसमें दाऊद इब्राहिम तो पुराना खिलाड़ी है, लेकिन उसकी तरह ही कम उम्र अपराध की दुनिया में घुसा लॉरेंस बिश्नोई भी कम नहीं है। इन दोनों का अपराध का तरीका और ताकत बेशक अलग है, लेकिन अपराध की दुनिया में उनका कद बराबर खड़ा है। एक तरफ 6 दशक से भारतीय अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला दाऊद इब्राहिम है जो अपने डी कंपनी नाम के इंटरनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट का सरगना है। उसकी पहुंच सिर्फ भारत के अपराध तक ही सीमित नहीं है, बल्कि साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक फैली हुई है। दाऊद इब्राहिम वो नाम है जिसे ना पुलिस रोक पाई और ना ही बड़े बड़े जांच एजेंसी उसका कुछ बिगाड़ पाई, और सबसे बचते बचाते वो पाकिस्तान में छुपा बैठा है, लेकिन आज भी एक्टिव है और वहीं से अपने जुर्म का साम्राज्य पूरे दुनिया में ऑपरेट कर रहा है। वहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो अभी वो कोई बड़ा डॉन नहीं है, बल्कि क्राइम की दुनिया में उभरता हुआ वो नाम है जो अपने क्राइम के जरिए गैंग को ऑर्गेनाइज करने में लगा है। लगभग 1 दशक से वो क्राइम की दुनिया में एक्टिव है लॉरेंस बिश्नोई, और उसका मेन गढ़ जो है वो पंजाब और उसके आसपास के राज्य हैं।
जैसे कि राजस्थान और हरियाणा और अब दिल्ली भी, जहां के गुंडा राज में उसकी अपनी एक मजबूत पकड़ है। कहने को लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन कनाडा तक भी है। पंजाबी सिंगर एपी डिल्लो के घर पर हुई फायरिंग इस बात का सबूत भी देता है, लेकिन लड़ाई जो है उसकी वो क्षेत्रीय ही है। कहने का मतलब ये है कि अभी लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क दाऊद इब्राहिम की तरह बाहर के देशों के क्रिमिनल सिंडिकेट तक नहीं फैला है। हालांकि पंजाब में गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवा कर और राजस्थान में गोगा मेडी को मरवा कर पैन इंडिया में उसने अपने खौफ का जो जाल है वो तैयार कर लिया है, ताकि उसका धंधा आगे बढ़ते रहे। और इस बात की गवाही अभी हाल में ही दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में हुआ एक कांड देता है, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने नादिर शाह नाम के एक जिम मालिक को जान से मरवा दिया, क्योंकि वो उसके धंधे के बीच में आ रहा था। अब ये पूरी कहानी क्या है लॉरेंस बिश्नोई और नादिर शाह की, उस पर तो मैं बाद में आऊंगा। अभी बात करते हैं डॉन और गैंगस्टर का धंधा कौन कौन सा है, जिसके आगे इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं होती है। तो पहले बात करते हैं दाऊद इब्राहिम की, जिसने अपने काले कारनामे को अंजाम देने के लिए बाकायदा एक कंपनी ही खोल रखी है, जो कई दशकों से फल फूल रहा है, जहां उनके हजारों गुंडे इंप्लॉय भी हैं, खौफ ज्यादा क्लाइंट भी हैं। तो देखिए, दाऊद जो है ना, वो अपने गैंग डी कंपनी को किसी मल्टीनेशनल क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह चला रहा है, जहां इलीगल काम भी कॉरपोरेट प्रोजेक्ट की तरह वेल प्लानिंग और ऑर्गेनाइज ढंग से किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप उस चर्चित हत्याकांड को याद कीजिए, जिसमें टारगेट गुलशन कुमार थे, टी सीरीज कंपनी के मालिक। डी कंपनी से जुड़े लोगों ने गुलशन कुमार के बारे में सब पता किया था, एक एक छोटी डिटेल भी, कि वो कब आएंगे, कहाँ आएंगे, कितने लोग होंगे उनके साथ। फिर किसी फिल्मी सीन की तरह शूटर आकर पहले डायलॉग बोलते हैं कि बहुत हुआ पूजा पाठ, अब ऊपर जाके करना, और फिर गोलियां दाग कर उन्हें खत्म कर देते हैं पूजा पाठ की वजह से। ये बस एक एग्जांपल था कि कैसे दाऊद की क्रिमिनल कंपनी काम करती है। लेकिन किलिंग दाऊद का अकेला धंधा नहीं था। 1980 के दशक से ही दाऊद का नाम सोने, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी से जुड़ा रहा है। 1990 के दशक में जब मुंबई में सोने की तस्करी का दौर चल रहा था, तो दाऊद की डी कंपनी ने इसका पूरा फायदा उठाया और अरब के देशों से सोना लाकर भारत में तस्करी की। इसके अलावा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ड्रग्स की तस्करी के लिए वो गोल्डन क्रिसेंट नामक क्षेत्र से हीरोइन लाकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई करता था। इस नेटवर्क की मदद से वो ड्रग्स को मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचाता है। वैसे तो दाऊद के इसके अलावा भी कई और धंधे हैं। दुबई में उसकी कई कंपनी भी है, लेकिन वो बस देखने दिखाने के लिए है। पर्दे के पीछे दाऊद का दो और इलीगल धंधा है, जो काफी हद तक भारत में आज भी फैला हुआ है। पहला हवाला का कारोबार, जहां वो बिना किसी कानूनी छानबीन के बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन करता रहता है और इलीगल एक्टिविटी को भी फंड करता है। वहीं उसके फायदे का दूसरा धंधा है बेटिंग। क्रिकेट मैचों में स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी, दाऊद के डी कंपनी का हाथ बहुत पुराना है और कई बार इसके सबूत भी सामने आते रहते हैं। दाऊद की वो पिक्चर तो आपने भी देखी होगी ना, जहां वो स्टेडियम में मैच के दौरान टेलीफोन पर किसी के साथ बिजी रहता था। अब ये फोटो भले ही पुरानी है, लेकिन आज भी बेटिंग के दुनिया में दाऊद का बड़ा नाम है। नाम लॉरेंस बिश्नोई का भी कम नहीं है, बस उसका काला धंधा अभी दाऊद इतना बड़ा नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अभी भी एक रीजनल क्राइम सिंडिकेट के रूप में ही जाना जाता है, जिसका दायरा पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक सीमित है। लेकिन मशहूर हस्तियों और राजनेताओं को धमकाने की वजह से उसकी पॉपुलैरिटी पैन इंडिया में है, लेकिन क्राइम की दुनिया में उसके काले धंधे उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, जिसमें लोगों को डरा धमका कर वसूली करना इनका मेन धंधा है। हनी सिंह को भी वसूली के लिए ही कॉल गया था। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई गैंग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करने में भी माहिर है। अभी पिछले दिनों साउथ दिल्ली में जो हत्या हुई है जिम मालिक की, उसके बाद रोहित गोदारा का पोस्ट देखकर यही लगता है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है या आपसी दुश्मनी। बाकी इसके अलावा अवैध हथियारों के तस्करी में भी इस गैंग यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इन्वॉल्वमेंट दिखता है। अतीक अहमद के मर्डर में इस्तेमाल होने वाला जिगाना पिस्टल के सप्लाई के पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही नाम आया था।
वैसे नाम तो लॉरेंस बिश्नोई का ड्रग तस्करी के सिलसिले में भी आया और उसी केस में वो गुजरात के जेल में बंद भी है। मतलब ज्यादा या कम, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी बड़े डॉन की तरह अवैध नशे के धंधे में घुस रहा है। वैसे यहाँ एक और चीज बताता हूँ और वो कनेक्शन आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो गुजरात के जेल में बंद है, वही दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन फिर भी लॉरेंस का कहर हर जगह भारत में बरस रहा है। और तो और, दाऊद के काले धंधे भी वैश्विक रूप से फल फूल रहे हैं। अब सवाल यह है कि कैसे? तो देखिए, गैंगस्टर हो या बड़ा डॉन, वो गैंग या सिंडिकेट इसलिए बनाते हैं ताकि वो खुद कुछ ना करे लेकिन उनका नाम बुलंद होते रहे। वैसे ही लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य भी जेल से चलता है, जहां से वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है और बाहर काम तमाम। उसके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक गोल्डी बरार है, जो उसके गैंग का चाणक्य माना जाता है। इसके ऊपर पूरी कहानी सुनाई थी मैंने, आप देख लीजिएगा चैनल पर। लॉरेंस के बिहाफ पर सारे कंट्रोल एक तरह से गोल्डी बरार के पास ही है। गोल्डी के जरिए ही बिश्नोई गैंग का नेटवर्क धीरे धीरे भारत के बाहर भी, खास करके कनाडा जैसे देशों में भी फैल रहा है, जहां भारतीय प्रवासी और गैंग से उनकी साठगांठ बनी हुई है। वैसे कुछ खास लोग और भी हैं लॉरेंस के गैंग में। उसका अपना खून, उसका अपना भाई अनमोल बिश्नोई, जो इन दिनों सलमान खान को डराने धमकाने का काम देख रहा है। इसके अलावा भी एक नाम और है, रोहित गोदारा। ये कांड होने से पहले जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहता है। साउथ दिल्ली में जिस जिम की मालिक की हत्या की बात मैं दो बार कर चुका हूं आज की इस कहानी में, उसके हत्या की जिम्मेदारी भी इस रोहित गोदारा ने ही ली है। पूरी कहानी लेकर मैं आऊंगा। अभी देखते हैं कि मैन पावर कितना है लॉरेंस बिश्नोई के पास। क्या इस मामले में वो दाऊद इब्राहिम से आगे है या यहाँ भी पीछे है? जवाब तो शायद आपको भी पता ही होगा। पिछले साल तक यही बात चर्चे में थी ना कि लॉरेंस बिश्नोई, जो खुद 30 साल का लड़का है, उसके पास 700 शूटर्स हैं। अब तक तो और भी बढ़ी गए होंगे। तो जरा सोचिए, जो गैंगस्टर 2018 में सलमान खान को धमकी देकर फेमस हुआ और 6 साल में सैकड़ों शूटर्स जोड़ लिया अपने साथ, तो जो दाऊद इब्राहिम डॉन है, 6 दशक से अपराध फैला रहा है, जो लॉरेंस जैसे कई गैंगस्टर को बनाकर उसे खत्म भी कर चुका है, तो जरा सोचिए अब यहाँ कि उसके पास कितना मैन पावर होगा। कहते हैं उसके पास हजारों ऑपरेटिव्स हैं, यानी उसके पास अलग अलग देश में उसके धंधे को चलाने वाले लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और उसकी राजनीतिक, आतंकी और आपराधिक कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दाऊद की डी कंपनी एक ऐसी आपराधिक संस्था है जिसने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट तक अपना डर कायम किया हुआ है। दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग अभी भी अपने क्षेत्रीय दबदबे को ही मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और अपने विरोधी लोगों के साथ ही गैंग वार में बिजी रहता है, उलझा रहता है। तो अंत में कुल मिलाकर कहूँ तो दोनों की आपराधिक जगत में मजबूत पकड़ और पहचान है, लेकिन उनके ऑपरेशंस का पैमाना और उनका जो एक क्राइम करने का मॉडस ऑपरेंडी है, वो एक दूसरे से बहुत अलग है। दाऊद जहां पूरी प्लानिंग के साथ साइलेंट तरीके से अपने अपराध को अंजाम देता है और लोग जान जाते हैं बिना कुछ कहे कि ये काम डॉन का ही होगा, वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग अपराध को अंजाम देने के बाद क्रेडिट लेता हुआ दिखता है, जो एक तरह से दर्शाता है कि वो अभी भी क्राइम की दुनिया में अपने वजूद को तलाश रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि लोग उन्हें पहचाने, उनके नाम को जाने। बाकी यही थी कहानी डॉन दाऊद इब्राहिम वर्सेज गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। और ये सब कुछ डिटेल में बताने का मकसद ये था कि जिस डॉन या गैंगस्टर की कहानी उनसे जुड़े लोगों की कहानी आप रोज सुनते हैं, वो क्या है, किस तरह से काम करते हैं, उसके बारे में आप अच्छे से जाने। बाकी डॉन वर्सेस डॉन सीरीज की ये पहली कहानी थी। आगे भी कई कहानी लेकर आऊँगा, जैसे मुख्तार वर्सेज अतीक या मुख्तार वर्सेज ब्रिजेश। और अगर आप भी कोई कहानी सुनना चाहते हैं इस तरीके से, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कहानी लेकर आऊँ ना, तो आपके पास बिना किसी रुकावट के नोटिफिकेशन पहुँचे और आप मेरी कहानियों को देख पाएं।
बाकी मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूंगा किसी और सफर में, किसी और क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। I don't know, there are few people, कहा दाऊद और कहा आप कंपेयर कर रहे हो एंड ऑल, बट मेरे नजर में, कमेंट में मेरे को दिखाए ठीक है, बट मेरे नजर में जिस देश का नमक कहा आया उसी में ब्लास्ट किया ठीक है। ही इज दाऊद राइट, मतलब जितना मैंने सुना पड़ा है उसके बारे में, एंड वो जाके रहा है अभी वहां पे जाके छुप गया है जो दुश्मन देश है। इट मीन्स वो इस देश का कभी था ही नहीं ठीक है। एंड ऑन दी अदर साइड लॉरेंस इज अ बिट डिफरेंट, आई थिंक वो देश प्रेमी वगैरह जिस तरीके के उनके स्टेटमेंट्स वगैरह थे एंड एवरीथिंग, सो ही इज देश प्रेमी, वो देश को तोड़ने का या देश ये सारी चीजें उन्होंने शायद नहीं की है। एंड दाऊद इज अ वेरी डिफरेंट थिंग यू नो, वो इस देश के कभी थे ही नहीं, मतलब पता नहीं, वो सिर्फ इस देश में आए, इधर पूजा पाठ करने वाले इंसान को मार दिया, पूजा पाठ वहां पे जाके करना बोल के। सो इट मीन्स आप इस देश के कभी थे ही नहीं, अपने इंडिया को कभी समझा नहीं और कुछ नहीं, इसको तोड़ने के लिए, इसको खत्म करने के लिए, इधर अशांति फैलाने के लिए शायद वो होंगे। एंड दिस इज अ बिट डिफरेंट मेरे नजर में, लॉरेंस इज डिफरेंट कंपेयर टू दाऊद, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत कमेंट्स देखे मैंने इसमें जहाँ पे बहुत लोग आर सपोर्टिंग दाऊद, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है चलो, हम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे ये सारी चीजें जब हो रही थी। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इसके बारे में। ये था मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत निया लेसा वही।